है गाइस, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज हम दिखाएंगे आपको कि पैसे ऐसे नहीं कमाए जाते हैं यहाँ पे, कि कोई भी आ जाता है इंडिया से, बोलता है कि मैं एक महीना हुआ मुझे या फिर मैं नया आया हूँ, मैं 2 महीने में 3 महीने में पैसे पूरे कर लूँगा। तो गाइस, डिलीवरी का काम भी इतना ईजी नहीं है। आप दिखाते हैं हम आपको, आपको लोगों से मिलवाते हैं कि वो लोग उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है डिलीवरी के लिए, सारा दिन बाइक पे कैसे रहना पड़ता है उनको। चलो दिखाते हैं, मिलते हैं वीडियो के। सो गाइस, आज हमारे पास गुरदीप है इंडिया से, बहुत ही अच्छा राइडर है ये, बहुत अच्छे पैसे कमाता है मंथ के। आज हम इससे पूछते हैं कि इसका स्ट्रगल लाइफ क्या होती है, कैसे ये डिलीवरी में पैसे अच्छे से कमाते हैं। गुरदीप, क्या क्या चीज़ों का तुम्हें फेस करना पड़ता है, क्या पैसे कमाने इतने ईजी है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यू सर, अप्रिशिएट। जो तुम 3,000-4,000 रुपये कैसे कमाते हो, तो ये लोग पूछते हैं कि पैसा कमाना बहुत इजी है डिलीवरी में, क्या वो लोग पैसा रखा हुआ है वो ऐसे ही दे देते हैं मंथ में, या तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ता है इसके लिए? नहीं, इस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल है सर। पैसा कमाना इतना इजी भी नहीं है जितना के लोग सोचते हैं कि हाँ इजी है। सो आप लोग को, जैसे हम सुबह 6:30-7 बजे काम पर लग जाते हैं, सो 7 बजे से लेकर 10-11 बजे तक काम करते हैं रात को। तो इतना इजी नहीं है कि हाँ कि हम साइप्रस में पैसा, यानी कि 15-16 घंटे बाइक चलानी पड़ती है, 15-16 घंटे बाइक चलानी पड़ती है, सारा दिन बाइक पे रहना होता है, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो। तो पहले तो बात है गाइस ये कि पैसा कमाना इतना इजी नहीं है, स्ट्रगल हर चीज़ के पीछे होता है। दूसरी बात यह है, आपको साइप्रस में कितना टाइम हुआ? 6 ईयर्स ऑलमोस्ट। 6 साल गाइस, इसको 6 साल हो गए हैं। ये नहीं कि आते तुम लोग सीधा आके तुम 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 यूरो कमाना शुरू कर दोगे। हर एक सक्सेसफुल, हर एक एक सक्सीड आदमी के पीछे उसका स्ट्रगल, उसका टाइम होता है, चाहे वो 2 साल हो चाहे 4 साल हो। ये नहीं कि लोग पूछते हैं कमेंट्स करके कि भाई मुझे 1 साल हुआ है या मुझे आते ही मुझे मैं 3 महीने में पैसे भी पूरे कर दूंगा, कैसा पॉसिबल है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल सर। आप 3 महीने में तो नहीं, आप 6 मंथ तो आप अलाउड नहीं हो। बाकी किसी की किस्मत, यानी किसी को अनलीगल काम मिल जाता है रेस्टोरेंट वगैरह में क्लीनिंग का या फिर किसी भी किचन हेल्पर का, वो अलग चीज़ है। उसकी 700-800 रुपये सैलरी हो सकती है, वो अलग चीज़ है ना जी। बट आप अगर लीगली वे से कहो तो आप 6 महीने तो आपको 6 महीने तो आप काम नहीं अलाउ कर सकते, आफ्टर दैट यू कैन मेक। ओके, थैंक यू गुरदीप। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम कमलप्रीत सिंह। थोड़ियाँ मुश्किल आउंदियां हैं, जिद्दां लोग इत्थे देखदे नेगे गड्डियां गुड्डियां चलाउण लगे, केयर नहीं करदे मोटर बाइक ते कोई आउण डिया है ना। बाकी चलो आपां दूजिया दे ओपीनियन देखदे हैं भी उन्हां नूं की की मुश्किल आउंदियां। हाँ जी भाई, कैसे हो आप, कहाँ से हो? अच्छा हो, आप कैसे हो? बस बढ़िया। कहाँ से हो? मैं बांग्लादेश से हूँ। बांग्लादेश से हो? कब आए साइप्रस? मैं ऑलरेडी 6 मंथ हो गया मेरा। 6 मंथ हो गया? ओके, क्या स्टेटस है? एसाइलम हो? ओके, तो डिलीवरी मतलब काम करते कितना टाइम हो गया? इधर आके ही मैंने दीपक भाई से मेरे से बात हुआ, उन्होंने बहुत मदद किया मेरे को। मदद की, हेल्प की? हाँ, हेल्प कर देते हैं। उनका स्टडिंग से मैं इधर अभी तक जिंदा हूँ, तो समझ ले ऐसी है। अच्छा, सही। वो बहुत मेरा को बहुत हेल्प किया। नहीं, बढ़िया हेल्प तो लगी है। बट अभी मैं डिलीवरी कर रहा हूँ, मंथली जो आता है मैं खाने के बाद मेरा घर पे कुछ भेज सकता हूँ, मेरा घर बहुत अच्छा से चल रहा है। यही है। आपको कोई प्रॉब्लम जैसे फेस करनी पड़ती है डिलीवरी का काम में? प्रॉब्लम मतलब वो शिप ठीक ठाक ही है, सब ठीक ठाक चल रहा है, बट कभी कभी बारिश होता है इधर उधर, यही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो कोई मुश्किल नहीं है आपको? नहीं, कोई मुश्किल। तो पैसे की कोई क्या कितना बनता है? पैसे का हर रोज शिप तो मिलता ही है, बट कभी कभी थोड़ा टायर्ड हो जाता हूँ इसलिए कभी कभी 2-1 दिन मिसिंग हो जाता है, बट काम कर लेता हूँ। मंथली 1,200 यूरो मिल जाता है। ऐसी है। 1,200? यस। ठीक है, तो आपके वहाँ बांग्लादेश में कितना बनता है? बांग्लादेश पे तकरीबन 2.5 लाख मिलता है। 2.5 लाख मिलता है। अच्छा अच्छा, ये बात बताओ, जैसे जहाँ पर लोग जो गाड़ियाँ चलाते हैं वो रैश ड्राइविंग करते हैं, ठीक है, मतलब कोई देखते नहीं है आगे पीछे नहीं देखते, ठीक है? नहीं वो, नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं फेस, ऐसा नहीं फेस किया, कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं मैं, अच्छे लोग मिले? हाँ, मैं हम लोग एक बात क्या है, तुम अच्छा से ड्राइव करो तुम अच्छा से सब कुछ अच्छा ही होगा, तुम रास्ते पे जब इधर उधर करोगे ना तब तो उधर इधर होगा ही, यही तो उसके बाद कुछ नहीं। सही बात है, सही है। आपका क्या लगता है? मेरा तो बहुत बैड एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी टांग तोड़वाई हो, यहाँ पर रॉड है मेरे थाई पे, मुझे 3 साल हो गए ड्राइविंग डिलीवरी पे, ठीक है। जब थोड़ा थोड़ा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोग कैसे ड्राइविंग करते हैं, ठीक है। मेरे साथ अभी ऐसा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। चलो फेस नहीं किया। हाँ चलो, ठीक है मेरे भाई,
ठीक है, नमस्ते नमस्ते, बाय बाय, शुक्रिया, यू टू, थैंक यू, बाय बाय, सागापो आगापो। हे गाइस, तो अभी हमारे पास है शंकर पाराजुली जो कि नेपाल से है। ये अपना बताएगा कि ये कैसे इसको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है डिलीवरी में, कैसे दोपहर बारिश में भी काम करना पड़ता है, पैसा कमाना इतना इजी नहीं है। शंकर, पहले थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे, ठीक, किधर से है, कहाँ पे रहता है, कब तुमने डिलीवरी ज्वाइन की, कितना टाइम हो गया तुम्हें साइप्रस में, कितना टाइम हो गया तुम्हें साइप्रस में, तब जाकर तुम पैसा कमाने लगे हो। हेलो गाइस, मेरा नाम है शंकर, मैं नेपाल से हूँ, नेपाल पोखरा से। मैं 2020 में साइप्रस आया था, जब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था साइप्रस का। तो मैं स्टूडेंट हूँ इधर पे, अलेक्जेंडर कॉलेज पे आया था। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स, तो मैं स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट एक ही काम कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। हम ये नहीं है कि जैसे नेपाल में बोला जाता है कि मैं 20 घंटा काम करूँगा, 18 घंटा काम करूँगा, हम यहाँ आके ये नहीं कर सकते। तो हमको एक ही काम करना पड़ता है, और एक ही काम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस में। तो स्टूडेंट को एक ही अलाउड होता है। जब आप आते हो साइप्रस पे, तो कॉलेज, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, पहले 6 महीने आपको कॉलेज के प्रोसीडर पूरा करना पड़ेगी। तो ये नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँगा, फीस डाल दूँगा, उसके बाद कॉलेज का कोई चक्कर नहीं है, कॉलेज पैसा फीस ऐसे ही देगा, ऐसा नहीं होता। कॉलेज का प्रोसीडर जो होता है, इमिग्रेशन का प्रोसीडर, कॉलेज का प्रोसीडर, कॉलेज के एग्जामिनेशन, सारे सब कुछ क्लियर करना पड़ता है। बाद में वो लोग परमिशन ले देते हैं कि भाई यू कैन अलाउ फॉर टाइम वर्क, है ना, यू आर अलाउड। ये नहीं है कि वहाँ पे आ गए, आप आते ही काम स्टार्ट कर लिए, आने के 2-3 दिन में आपको किसी ने काम में लगा दिया तो काम में लगा लिया, ये नहीं होता। वो पुलिस पकड़ लेती है आपको 6 महीने। हाँ, किसी का लक अगर उसको मिल गया, इलीगल काम वो मिल सकता है। वो मिल गया और आप कर रहे हो, आगे कर रहे हो, तो इलीगल है। अगर आपके पास और परमिट नहीं है, तो पिन कार्ड है नहीं है, तो आप काम कर रहे हो, इसका मतलब है ये बात क्लियर हो जाओ, आप इलीगल हो साइप्रस पे, इलीगली काम कर रहे हो। ओके, अब मुझे बताओ जरा कि डिलीवरी में जो पैसे बनते हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी आई थिंक सो डिलीवरी के काम पे ही है ना? हाईएस्ट सैलरी डिलीवरी का है। तो ये भी इतना आसान नहीं है डिलीवरी काम करने के वाले, ये नहीं कि पैसा ज़्यादा आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम भैया उतना आसान है। काम बहुत हार्ड होता है, कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है, कभी कभी रात को काम करना पड़ता है, क्योंकि डिलीवरी वाला काम रात में ज़्यादा बिजी होता है। ठीक है, नींद नहीं बोल सकते, भूख नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि हमको 12 घंटे, 14 घंटे, जैसे मैं भी करता हूँ, 14 घंटे से लेके मैं करता हूँ। ये एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस में 15 घंटा मिनिमम काम करता हूँ मैं, तब जाके मेरे रोटी पानी का, कॉलेज का खर्चा निकल जाता है। ये नहीं कि काम कर लिया तो जैसे बोला जाता है हमको कि 50-60 यूरो रूम रेंट पे कर दो, 100 यूरो और 100 यूरो। हाँ, जो इंडिया से जो एजेंट लोग होते हैं वो यही बोल के भेजते हैं कि जाके 50-60 यूरो 100 यूरो तुम्हारा खर्च होएगा महीने का, ठीक है, अब बाकी का तुम पैसा आराम से कमा सकते हो। लेकिन इतना इजी नहीं है, यहाँ पे रेंट भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ, यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पहले से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो डिलीवरी ऐसा होता है कि गाइज, कि हम आते ही बहुत ज़्यादा डिलीवरी नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे 2-3 कंपनियाँ होता है। हाँ, सीखना पड़ेगा तुम्हें, रोड सीखना पड़ेगा, GPS सीखना पड़ेगा, जितना जितना एक्सपीरियंस होगा उतना जितना ज़्यादा काम कर सकते हो आप। ये नहीं कि है कि आप चलो एनी वे कि हाँ तुम स्मार्ट हो, सोखे, लेकिन स्मार्ट में भी तुम्हें एरिया की नॉलेज तो होनी जरूरी है ना। हाँ, एरिया की नॉलेज होना चाहिए, काम की नॉलेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन की नॉलेज होना चाहिए। मेन चीज़ है इंग्लिश सीख के आओ। हाँ, इंग्लिश नहीं है तो कोई काम नहीं है, इंग्लिश नहीं है तो काम नहीं है। थैंक यू, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है गाइस, आई अप्रिशिएट हिम, थैंक यू। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइस, ये वीडियो राइडर्स की रियलिटी है साइप्रस में या किसी भी बाहर कंट्री में, कैसे स्ट्रगल से वो डिलीवरियाँ करते हैं, पैसे कमाते हैं। तो गाइज, आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करना वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो चैनल पे को कर दो सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, थैंक यू गाइज। पैसा सिखा जी सारे, ए जी मेरा भरा बठल सिंह जी, बठल सिंह। हेलो भाई, देख ओ हो, देख ला भरा।